नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। राजू श्रीवास्तव ने 21 सितंबर को अपनी आखिरी सांसें ली। राजू की मौत से हर कोई गहरे सदमे में है, लेकिन जब बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू से राजू के निधन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कर दिया इग्नोर। यही नहीं, तापसी पैपराजी के बिहेवियर से भी काफी परेशान दिखी। अरे भाई साहब, आप एक मिनट, ऐसे मत करिए, थोड़ा हटिए। राजू श्रीवास्तव की मौत से जहां पूरा देश शोक और सदमे में है, वहीं कॉमेडियन रोहन जोशी ने राजू को लेकर ऐसा बेहुदा कमेंट कर दिया था जिसकी वजह से वह लोगों के निशाने पर आ गए। रोहन जोशी का यह कमेंट देखते ही लोग उन पर भड़क पड़े। रोहन जोशी ने बाद में अपना यह कमेंट डिलीट कर लोगों को अपनी सफाई पेश की। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सएल का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में दोनों अभिनेत्रियां ओवरसाइज महिलाओं का किरदार प्ले करेंगी। ये फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शाहरुख खान हाल ही में 17 साल बाद करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में नजर आए हैं। इस दौरान गौरी ने ड्रग केस में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। गौरी ने बताया कि यह फैमिली के लिए सबसे मुश्किल समय रहा है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनकी मदद की है वो उनकी शुक्रगुजार हैं। अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा स्टारर राम सेतु की पहली झलक जल्द ही ऑडियंस को दिखने वाली है। फिल्म का टीजर 26 सितंबर को आउट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।